हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पापा कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स के बारे में। और बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है कि y इक्वल टू px का ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमें बतलाना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें बतलाना है कि जीरोज कितने हैं। This is the graph of y equal to px and we have to find the number of zeros. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर वन है, this is one, this is question number two, this is question number three, this is question number four, this is question number five and this is of course question number six. And we have to find the number of zeros. तो बच्चों देखिए, हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ बना है वह x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर x एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा द नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में जो ग्राफ बना है वह x एक्सिस को काटता नहीं है, यह x एक्सिस के पैरेलल है देखिए, और एबव द x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के पैरेलल है। तो यह x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरो इज वन, सॉरी द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। यहां पर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो क्योंकि y इक्वल टू px का जो ग्राफ है x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी जीरो है क्योंकि यह x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए कि x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यह पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। तो जब यह ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो इज वन। तो यहां पे आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, तो आंसर लिखेंगे बच्चों द नंबर ऑफ जीरोज इज वन क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए ग्राफ कितने पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट, दो और एक, ये तीन पॉइंट। बच्चों यहां पर ग्राफ x एक्सिस को तीन पॉइंट पे काट रहा है तो द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स इज थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री क्योंकि एक्स एक्सिस को यह ग्राफ तीन पॉइंट पर काट रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, अफकोर्स एक और एक दो, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इज टू। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए नंबर ऑफ जीरो इज वन टू थ्री एंड फोर, तो जो ग्राफ फाइव है इसमें नंबर ऑफ जीरो फोर है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए तो यह ग्राफ x एक्सिस को वन टू थ्री तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरो इज थ्री बिकॉज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट थ्री पॉइंट। सो द नंबर ऑफ जीरो इज थ्री। और क्वेश्चन नंबर फाइव में नंबर ऑफ जीरो इज
फोर नंबर ऑफ जीरो इज फोर, ये क्वेश्चन नंबर चार के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर पांच के लिए है और यह आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस को वाई का ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स, तो वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा द नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। और आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि किस पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो होंगे। तो बच्चों ये देखिए नंबर ऑफ जीरो वन है क्योंकि एक्स एक्सिस को यह ग्राफ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में नंबर ऑफ जीरो थ्री है क्योंकि यह एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए नंबर ऑफ जीरो इज टू बिकॉज इफ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट वन एंड टू, जब यह एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरो भी दो ही होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं और क्यों हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आप जीरो निकालिए और फिर जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करिए। तो आइए हम इसका जीरो निकालते हैं। बच्चों इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स को हमने बाहर रखा ये हो गया एक्स माइनस फोर, पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे और टू एक्स और माइनस एट के बीच में टू कॉमन फैक्टर है तो टू को हम कॉमन ले लेंगे, ये बचा एक्स और ये हो गया टू फोर जा एट। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का जो फैक्टर्स आया दैट इज एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस प्लस टू। जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का जो फैक्टर्स आया दैट इज एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू। तो अब हम इसका जो निकालते पी एक्स इक्वल टू जीरो और पी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू हो गया फोर और एक्स इक्वल टू हो गया माइनस टू। तो बच्चों यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के दो जीरो आए, एक फोर दूसरा माइनस टू। तो अब हमें जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखिए जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है, सबसे पहले यहां लिख दूं जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू, सो जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट आर फोर एंड माइनस टू। अब बच्चों हमको जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर। बच्चों सम ऑफ जीरो माइनस अंडर ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सम ऑफ जीरो करते हैं तो मेरा जीरो क्या है, एक जीरो है फोर, दूसरा है माइनस टू, तो ये हो फोर प्लस माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज एक्स कोएफिशिएंट क्या है माइनस टू है, तो माइनस टू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो यह एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज वन, तो ये अपॉन वन हो गया। अब फोर प्लस माइनस टू तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो गया टू, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस टू अपॉन वन, टू इक्वल टू टू। तो बच्चों यहाँ पे जीरो और कोएफिशिएंट का जो एक रिलेशन है वह वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशन होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो जीरोज क्या है, पहला फोर और दूसरा माइनस टू, तो मल्टीप्लाई करिए फोर इंटू माइनस टू, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस एट, तो यहां लिखिए माइनस एट, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अभी बतलाया वन है, तो फोर एन माइनस टू का प्रोडक्ट क्या आया माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। तो बच्चों देखिए कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो निकाला जो आया फोर और माइनस टू, इसके दो जीरोज हैं, पहला फोर दूसरा माइनस जीरो सॉरी माइनस टू, और जब हमने जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई किया तो हमने पाया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो पाया ये दोनों इक्वल हैं। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब हमने प्रोडक्ट को जीरो किया तो पाया कि यह माइनस एट राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो बच्चों यही रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, और हमने उसके जीरोज को निकाला, जीरोज को निकालने के बाद हमने जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई किया। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको हमें जीरो मालूम करने हैं और जीरो एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, तो पहले हम इसका जीरो निकाल लेते हैं। बच्चों एक चीज को नोटिस करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लेट px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब इसमें जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 6x² 6 3 18 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। जब हम माइनस 9x प्लस 2x करेंगे तभी आ जाएगा माइनस 7x,
तो 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू, हम जो कॉमन है उसको बाहर यहां पे ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x - 3, और प्लस का साइन है तो यहां पे प्लस का साइन दीजिए, और कॉमन क्या लेंगे 1, क्योंकि इसके बीच में 1 है जो कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2x - 3। अब बच्चों देखिए 6x² - 7x - 3 का फैक्टर्स क्या आया, 3x + 1 और 2x - 3, तो हम लिखेंगे 3x + 1 2x - 3। बच्चों यहां पे 1 कॉमन फैक्टर है और हमने 1 को नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो अब इसका जीरो ही निकालते हैं। पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो 3x + 1 इक्वल टू जीरो और 2x - 3 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 और x इक्वल टू 3/2। बच्चों इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो आया -1/3 एंड दूसरा जीरो आया दैट इज 3/2। बच्चों दीज आर टू जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स, तो लिखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। अब हम बच्चों इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो बच्चों सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x². तो बच्चों देखिए सम ऑफ जीरोज क्या आया, हम सम ऑफ जीरोज करें तो क्या आएगा, हमारा जीरो क्या है -1/3 एंड 3/2, तो इसको सम करते हैं -1/3 + 3/2 इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है दैट इज 6, यहां पर 6 लिखेंगे। देखिए हमने 3 2 को एलसीएम लिया तो 6 आ गया, ये हो गया -2 और ये हो गया +9, ये क्या माइनस माइनस +7/6। अब -2 + 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो देखिए जो न्यूमिरेटर है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स और जो डिनोमिनेटर है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6 है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², चलिए उसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x², तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा -1/3 × 3/2 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दैट इज -3
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज 6। तो 3 से 3 कैंसिल और 3 वन जा 3, 3 टू जा कैंसिल, यहाँ क्या बचा, दैट इज -1/2 एंड दिस इज ऑल्सो -1/2। बच्चों देखिए, हमने जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो यह कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, -1/2 एंड -1/2। तो बच्चों देखिए, अब हम इस रेशनल नंबर में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को अगर दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी -3/6 और ये भी हो जाएगा -3/6। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6, यह भी प्रूफ हो गया। तो बच्चों हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का जीरो निकाला, दैट इज -1/3 एंड 3/2 और इसके रिलेशन को हमने वेरीफाई किया तो पाया कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -(_) कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो।